चलो करते हैं। तो उससे पहले हम एसओपी कर देते हैं। एसओपी एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसओपी फॉर्म तो एसओपी फॉर्म में क्या होता है, एक होती है आपकी प्रोडक्शन, एक होती है आपकी सम टर्म्स। प्रोडक्ट टर्म्स में आपकी जो वेरिएबल्स होते हैं ए बी सी या पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है। और ये वेरिएबल या सर आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, सर आ रही है, आ रही है, यस आ रही है पर कम आ रही है बट। ओके I'll speak a bit louder. Product term में क्या होता है, A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R, जो भी आपके variables होते हैं in a given problem, वो present होते हैं और इनके बीच में and operator होता है, dot वाला, ठीक है, जिसको हम product भी बोलते हैं। तो वो जितने variable होते हैं या तो वो true form में होते हैं या वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, या ट्रू फॉर्म में या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से। और सम फॉर्म में क्या होता है, अगेन सेम वही वेरिएबल्स होते हैं या तो ट्रू फॉर्म में या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, ठीक है, और उनके बीच में सम ऑपरेटर होता है। सम ऑपरेटर मतलब और ऑपरेटर, ठीक है। अगेन ट्रू फॉर्म में भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो अब आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो होती है या एसओपी फॉर्म जो होती है, इसमें जो आपके प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं उनका सम होता है। प्रोडक्ट टर्म्स मींस ऐसे मान लो कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो इनका जब हम सम कर देते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन बन के आता है, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है। इज इट ओके? और इवन अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है ना आपका, लाइक इसके आगे मैं लिख देता हूँ बी सी, स्टिल ये एसओपी फॉर्म में ही है क्योंकि ये भी प्रोडक्ट टर्म है, 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 सारी की सारी प्रोडक्ट टर्म ही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या ये स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये वाली स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट टर्म है सारी स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म क्या होती है, अब जिसमें जितने भी वेरिएबल हैं आपकी प्रॉब्लम में, लेट अस सपोज हम मान लेते हैं हमारी इस प्रॉब्लम में तीन वेरिएबल्स थे ए बी और सी, तो हर प्रोडक्ट टर्म में ए बी और सी तीनों होने चाहिए आइदर इन ट्रू फॉर्म और इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। जैसे इसमें ए जो है वो ट्रू फॉर्म में है, बी ट्रू फॉर्म में है, सी ट्रू फॉर्म में है,
दूसरी प्रोडक्ट टर्म में ए कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, बी ट्रू फॉर्म में है और सी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, ठीक है। सिमिलरली ए बी सी कॉम्प्लीमेंट में भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ए मिसिंग है, ए मिसिंग है, तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये वाली प्रोडक्ट टर्म, इसलिए ये आपका एक्सप्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इज इट ओके? यस सर। बाकी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है एसओपी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसी की एग्जांपल लेते हैं, तो स्टेप्स आपको याद होंगे पिछले। यस सर। सो एक एग्जांपल लेते हैं पहले, ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए सी। लेट से ये मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। और यहाँ अगर मैंने ब्रैकेट में वेरिएबल्स के नाम नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ये इतने ही वेरिएबल हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। लेकिन अगर ब्रैकेट में मैंने कुछ वेरिएबल लिखे हुए हैं तो वो सारे कंसीडर करने हैं आपको, ठीक है। चलो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस सर। दैट इज लिख दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। नो सर। पहले तो हमने आउटलाइन कर लेना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। तो इनमें अब देखना है मिसिंग वेरिएबल कौन सा है ना। यस सर। पहले शुरुआत हम ऐसे कर लेते हैं, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। कौन सा लॉ लगाया है हमने सर? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। यस सर। ठीक है, ये भी इन्होंने यहाँ से हटा के अंदर की तरफ लगा देते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ लगा दिया। अब जो वेरिएबल मिसिंग था उसको हम सर सी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और ट्रू फॉर्म में लिख देंगे। सी कौन सा लॉ फिर? सर इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ, इनवर्स लॉ लगता है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और यहाँ पर सी और सी कॉम्प्लीमेंट, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर बी मिसिंग था, यस सर, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यस, यहाँ पर ये ठीक था, ऐसे ही आ गया। यहाँ पे बी मिसिंग था तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डॉट्स। Yes. तो अब इसको खोलना है हमने, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर प्रोडक्ट कर देंगे, एक बार इसके साथ कर देंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद आइडेम्पोटेंट लॉ अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। यस सर। सबसे पहले मेरे पास ये तो है, ये आ गया, ठीक है। ये अभी तक एक्सप्रेशन में नहीं आया है। यस सर। अगला भी नहीं आया है अभी तक,
फोर्थ टर्म आएंगे। ये आया हुआ है तो नहीं लिखेंगे हम, ठीक है एक ही बार लिखेंगे। ये टर्म भी ऑलरेडी आ चुकी है ना, ये वाली टर्म यस सर। ये नहीं आई है अभी, ये भी नहीं आई है, ये वाली आ लास्ट चुकी टर्म आ चुकी है, यस सर। है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको मैंने छोटा कैसे किया है, एडम्पोटेंट लॉ लगा के। इज इट ओके, एडम्पोटेंट लॉ, यस सर। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? श्योर, यस सर। आगे यस बढ़े। सर। तो ये हो गई आपकी, आपका एक्सप्रेशन एक्स जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब रहा सवाल आपका कि स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने अगर कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफर करना है तो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो क्योंकि तीन वेरिएबल हैं, हम आठ वाला वो ट्रुथ टेबल का एक फॉर्म देख सकते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 और 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0s 4 1s, इट विल बी 0, इट विल बी 1, इट विल बी 2, इट विल बी 3, इट विल बी 4, 5, 6 एंड लास्ट विल बी 7। और जो सम प्रोडक्ट फॉर्म होती है, इसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं जिसको हम प्रोडक्ट टर्म बोलते हैं या मिन टर्म बोलते हैं, ठीक है, ये हमें बनानी होती है हमेशा, क्या बनानी होती है, वन वन बनानी होती है, मिन टर्म वन बनानी होती है। तो ये वन कैसे बनेगी, मतलब ए को मैं क्या वैल्यू दूं, बी को क्या वैल्यू दूं, सी को क्या वैल्यू दूं कि ये वन बने, मतलब ठीक है ये तीन टर्म्स हैं, आइदर इन ट्रू फॉर्म या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकती है, इनका जब रिजल्ट निकले तो रिजल्ट आए वन। इसका मतलब है ये भी वन होना चाहिए, ये भी वन होना चाहिए, ये भी वन होना चाहिए, तभी वन आउटपुट आएगी। तो जो जो चीज कॉम्प्लीमेंट में होती है उसको हम देते हैं जीरो, ताकि ये जीरो का कॉम्प्लीमेंट होके वन बन जाए अल्टीमेटली। यस सर। जो ट्रू में होती है वो वन नहीं होती है। तो ये देखो इसका क्या बनेगा, 001 जीरो 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 वन इसका, 000 000 इसका 010 और इसका, सर। तो 0 1 1 क्या है, ये तो स्टेबल की हेल्प ले सकते हो। ये सेकंड तो उसका सेकंड लास्ट वन टर्म आएगा। 101 आएगा, ए यस बी कॉम्प्लीमेंट सी, 101 कहाँ पे, तो सेकंड लास्ट। लास्ट सेकंड ओके 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 सॉरी, ये वाला कह रहे हो, यस सर। 101 ओके बोलो ये क्या है। थ्री थ्री यस सर। वन जीरो जीरो टू फाइव 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 फाइव, सेवन ये टू तो 0 1 0 लिखते तो होता, सर। तो ऑब्वियसली इसको आप कोशिश यही करना कि ऑर्डर में लिखो ऐसे, ठीक है ये आपकी कैनोनिकल फॉर्म होगी। इवन समेशन की जगह पे आप स्मॉल एम भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इज इट ओके,
आगे बढ़ते हैं. एक एक्सप्रेशन लेट से ये दिया हुआ आपको. एक्सक्यूज मी सर. यस सर, आज कॉलेज ओपन होगा? डोंट नो मच अबाउट इट बेटा. यू कॉल. ओके सर. ओके ओके. रिसेप्शन पे कॉल करो बेटा और पूछो खुला है. ओके सर. लेट से ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये नहीं है. तो अगेन पहले आप आइडेंटिटी लॉ लगाओगे, इसमें ए मिसिंग था है ना. यहाँ भी आइडेंटिटी लॉ लगाओगे, इसमें ए और बी दोनों मिसिंग है. फिर आप कौन सा लॉ लगाओगे? इनवर्स लॉ लगाओगे. है ना? Yes, sir. और फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे. तो ये वाला तो डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ लिख देना है ना. ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. इसका बड़ा ध्यान रखना, ये कुछ इस तरीके से करना. अगर आप दो वेज बताता हूँ, एक थोड़ा सा फास्टर वन, एक थोड़ा सा स्लो. देखो ये साइड में करते हैं, ठीक है, ताकि पॉश पॉश ना हो वहाँ पे. तो पहला वे है कि आप वन बाय वन करो, मतलब इसको छोड़ दो, अभी सिर्फ इसको करो. तो ये बन जाएगा आपका बी सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी, है ना. फिर उसके बाद इसको और इसको डिस्ट्रीब्यूट करो. पहले इसको इस पर डिस्ट्रीब्यूट करो पूरे के ऊपर, फिर इसको लो और दोनों के साथ प्रोड्यूस करो ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी. फिर अब ये हो गया ए वाला, तो अब ए कॉम्प्लीमेंट वाला, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट. समझ में आया बेटा? यस सर. और दूसरा जो सीधा ही वे है वो ये है कि इसका पहला पिक करो, इसका भी पहला पिक करो, इसके साथ प्रोड्यूस कर दो ए बी सी. फिर अब इसका पहला, इसका दूसरा, और ये तो आएगा ही साथ में, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी. हो गया, पहले के दोनों के साथ हो गया हुआ है. अब दूसरा पिक करो और पहले के साथ प्रोड्यूस करो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी. दूसरा पिक करो और उसके दूसरे के साथ करो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी. ठीक है, सेम ही चीज बनेगी, बट ऑब्वियसली आप जिस लेवल पर देख सकते हो इसको, थोड़ा थोड़ा करके करना है. ये मेथड करो, एक साथ में कर सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बना हुआ है, तो सीधा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, दोनों वेज डिपेंड करता है अब आपके कि आपको कौन सा वे सही लगता है, आसान लगता है. ठीक है, इसके बाद आप ऑब्वियसली आपने आइडेम्पोटेंट लॉ लगाना है, नथिंग एल्स, ए बी सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी. ये ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए दोबारा नहीं लगाएंगे, ये यहाँ पर आ चुका है. ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये आपका जीरो वन वन. ठीक है, ये वन जीरो जीरो,
जीरो 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 वन 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 जीरो वन जीरो जीरो वन थ्री फोर जीरो सेवन फाइव वन। सर सेकंड स्टेप में ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी है, ये सी है ये कह रहे हो? ये कह रहे हो बेटा? ओके 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 ये कह रहे हो ओके। तो फिर ये भी ऑलरेडी आ चुका है एक बार, सॉरी ये देखो इसको भी नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। इट विल टर्न आउट टू बी जीरो वन फोर फाइव एंड सेवन, दैट्स इट, दैट्स आंसर। इजी है कन्वर्ट करना सम प्रोडक्ट से, क्या बनाना है कैनोनिकल फॉर्म बनानी है, सिंपल है, हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। यस सर, यस सर, एक्सक्यूज मी सर। सर ये फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी बी सी आएगा आइडमेंट में? हाँ ऑब्वियसली वो भी आएगा क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, तो ये जीरो वन वन थ्री हो जाएगा और यहाँ पर आएगा, ठीक है। इज इट ओके? पढ़े आगे, ऑब्वियसली मेथड इज जस्ट लाइक दिस। इसमें अगर हम जैसे अब देखो छोटी छोटी सी गलती की है, एक यहाँ पर की थी जिसकी वजह से एक और गलती हमसे आगे हुई, तो वही पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ करेंगे हम तो हमारे आंसर सही निकल के आएंगे एट द एंड। बड़े आगे, एक्सक्यूज मी, हाँ जी हाँ जी बेटा। सर इससे पहली वाली स्लाइड शो करवाना है एक बार, थैंक यू सर। बढ़िया बागे, यस सर। सर अगर डबल नंबर आ जाए तो फिर वो भी लिखने हैं, मतलब वन वन आ जाए? देखो वही चीज ना कि डबल आ ही नहीं सकता है, ये आपको लग रहा है कि वन और वन दो दो बार आ गया, ये तो है ही नहीं है। ओके 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 सर, डबल आ ही नहीं सकता, आइडेंटिटी लॉ लगाया हुआ है आपने, है ना, डबल तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, और कोई बेटा किसी का क्वेश्चन पूछना हो या आगे करें? तो आगे मूव करते हैं पीयूएस फॉर्म, पीयूएस ठीक उससे उल्टा एसओबी से, प्रोडक्ट ऑफ सम, में सम टर्म्स होंगी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ऐसे करके, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखते हैं हम इनको। ब्रैकेट में लिखने का कारण ये है कि जब हम इनको एंड करते हैं तो ऑब्वियसली पहले सम परफॉर्म होना चाहिए, फिर जाके ऑब्वियसली प्रोडक्ट होना चाहिए, इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। बताया था ना आपको मैंने कि प्रेसिडेंस जो है वो प्रेसिडेंस आई किसकी है? डॉट की है, एंड की ज्यादा है और की कम है। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये परफॉर्म होने से पहले ये परफॉर्म हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ब्रैकेट्स आर नेसेसरी इन दिस केस। बढ़े आगे,
यस सर. अब POS फॉर्म एक लेते हैं जो नॉन स्टैंडर्ड हो, ठीक है. जैसे कि हम ये पिक करते हैं, ये है लेट सपोज पीओएस फॉर्म, ठीक है. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में. ऑब्वियसली ये तो स्टैंडर्ड में ही है, अगेन लॉज वही यूज करनी है. सबसे पहले कौन सा लॉ यूज करना है? आइडेंटिटी लॉ. यहाँ पर जीरो आ जाए, ठीक है. ये स्टैंडर्ड में ही है. और ये जीरो प्लस जीरो, ठीक है. इसके बाद दूसरा लॉ, सो इनवर्स लॉ लगा देंगे. इनवर्स लॉ लगा दोगे, ठीक है. तो C डॉट C कॉम्प्लीमेंट ये जीरो होता है ना. Yes. जो एक फॉर्म लॉ की आपने एसओपी में यूज की थी उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट वाली आपने यूज करनी है यहाँ पे, राइट. सॉरी यहाँ पर आगे भी है सी कॉम्प्लीमेंट. ओके ये स्टैंडर्ड में ही है. अब इसको इस पे क्या लगाना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा? एक बार ये इसके साथ और एक बार ये इसके साथ. Yes, sir. B plus B complement plus C dot. C complement. ठीक है जी. ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कई बार, हमारे माइंड में अच्छे से आता नहीं है कि कैसे होगा ये. तो एक बार इसके साथ, एक बार दूसरे के साथ. अब यहाँ पर इसको देखिए, अगर हम तो अगेन वही चार वाली प्रॉब्लम आ गई ना, तो वही चीज अगर आप एक ही स्टेप में करना चाहते, एक ही स्टेप में करना चाहते हो तो फर्स्ट का फर्स्ट लो, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट लो और इसके साथ कर लो. फर्स्ट का फर्स्ट लो, सेकंड का सेकंड लो, इसके साथ करते. तो टोटल चार आपके टर्म्स बन जाएंगे इस तरीके से. एक एक करके करना है तो पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसके साथ सॉल्व कर लेना है, वो भी आपकी मर्जी है. तो अल्टीमेटली ए बी सॉरी ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. फिर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और फिर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट. अब इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ये अब आपकी है प्रोडक्ट टर्म. प्रोडक्ट टर्म को आल्सो वी आल्सो नोन एज मैक्स टर्म्स. और मैक्स टर्म्स क्या बनानी होती है हमने? जीरो. जीरो बनानी होती है. तो जब सम हो रहा हो ये सभी की सभी चीजें जीरो होंगी,
तब जाके ये टर्म जो होगी, सम टर्म जो होगी वो जीरो बनेगी। यस सर। तो जो ट्रू फॉर्म में होगा वो जीरो आ जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा वो वन करेंगे उसको, ताकि वो कॉम्प्लीमेंट होके जीरो बन जाए। जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो 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 वन, ठीक है। और ऑब्वियसली आइडेम्पोटेंट लॉ पहले लगा देंगे तो उसमें हमें ये चीज नहीं दिखेगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पर। सर कॉम्प्लीमेंट वाली चीज जीरो नहीं होती? सॉरी, वो बेटा एसओपी में होती है। एसओपी में क्योंकि हमारे पास मिनटर्म्स होती हैं, मिनटर्म्स जो है वो वन बनानी होती है, ठीक है, प्रोडक्ट टर्म जो है वो वन बना, और यहाँ पर हमारे पास मैक्स टर्म होती है, मैक्स टर्म उससे उल्टा है, ठीक है, ये भी ऑलरेडी आ चुकी है, ये देखो, तो ये भी इम्पोर्टेंट लॉ में नहीं आएगी, ठीक है। और ये बनेगी वन जीरो वन, ये बनेगी वन वन, तो जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम तो इट विल टर्न आउट टू बी फाइव वन टू थ्री फाइव एंड सिक्स सेवन थ्री फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। कैपिटल एम भी यूज कर सकते हैं, ये ट्रुथ टेबल से ही निकाल सकते हो। जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो टू, ये थ्री, ये आपका सिक्स, ये आपका फाइव, ये आपका सेवन, राइट। क्लियर है? यस सर। डाउट तो नहीं किसी के माइंड में? ओके। तो इसके बाद अब कुछ बातें मैं आपको पहले बता देता हूँ। कल हमने ऑब्वियसली की मैप शुरू करेंगे। देखो, आप पीओएस से कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि पीओएस फॉर्म जो है कि मैं आपके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ठीक है, अब तक जितनी चीज है वो तो आपको करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म को, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट तो करना ही है। अब आपको पता है के मैप जो है वो एसओपी के लिए अलग बनते हैं, पीयूएस के लिए अलग बनते हैं, है ना। वो आपको इसी से आइडिया हो जाता है जब आप इसको साइड पे लिखते हो, जो एसओपी के लिए आप ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हो, या ए कॉम्प्लीमेंट बी लिखते हो, या ए बी लिखते हो, और यहाँ ए बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हो। लेकिन जब आप सेम चीज बनाते हो पीओएस के लिए तो यहाँ पर ए प्लस बी आता है ना, या ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आता है, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आता है, और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी आता है ना। थोड़ा सा वेरिएशन है, डिफरेंशिएशन है ना। तो अगर आप यस सर इसको करने में कंफर्टेबल नहीं हो, इसको करने में कंफर्टेबल हो, या उल्टा है केस आपने कि आप एसओपी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, पीओएस वाले के साथ कंफर्टेबल हो, ज्यादातर वैसे एसओपी के साथ कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि डॉट नहीं लगाना पड़ता है और ये याद रखना थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू दिस। एस ओ पी के साथ ज़्यादातर कंफर्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स, इवन कोई भी आप तो कह सकते हो, इवन द टीचर्स आर रेदर मोर कंफर्टेबल विद एस ओ पी। तो
मेन अब यहाँ पर आती है कि अगर आपको पीओएस का क्वेश्चन है और एसओपी के साथ आप कंफर्टेबल हो, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपको ऑब्वियसली बताया ही था मैंने लास्ट टाइम कि अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है, जैसे ये एक्सप्रेशन लगा के चलते हैं हम, 1 2 3 5 6 7, तो एसओपी में कन्वर्ट करना हो मिन टर्म में, तो जो जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है 0 और 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये एसओपी के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, एसओपी की कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप एसओपी के मैप लगा सकते हो। सर कैसे हुआ ये सब बता दो एक बार। मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का ना रिलेशन होता है, ये देखो मान लो एक आपका क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ए बी सी, ठीक है। मान लो आपके मैक्स टर्म में 1 है 2 है 5 है 7 है, ठीक है। अब क्या क्या मिसिंग है इसमें, 3 वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जो नंबर मिसिंग है मैक्स टर्म वो मिन टर्म में प्रेजेंट होगा, जो मिन टर्म में मिसिंग है वो मैक्स टर्म में प्रेजेंट होगा। इनका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, ठीक है। तो 0 मिसिंग है इसमें 0 आएगा, 1 है इसमें 2 है इसमें, 3 और 4 मिसिंग है 3 और 4 आएगा, 5 इसमें है, 6 मिसिंग है 6 आएगा, 7 इसमें है, ठीक है। तो बड़े आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आप करते हैं, ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे। इज इट ओके?